चीन में फैले कोरोना वायरस से हमारे देश के व्यापार को हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि सूरत के हीरा उद्योग को अगले 2 महीनों में करीब 8000 करोड़ रुपए की चपत लग सकती है और इसके पीछे की वजह है चीन ने फैला कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण से हांगकांग ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। सूरत के हीरा उद्योग का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हांगकांग में ही होता है। सूरत के हीरा उद्योग कारोबारियों का कहना है कि हांगकांग हमारे लिए प्रमुख व्यापार केंद्र है, लेकिन वहां स्कूल और कॉलेज मार्च के पहले हफ्ते तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि GJEPC के रीजनल चेयरमैन दिनेश नवाडे का कहना है कि सूरत से हर साल हांगकांग के लिए 50,000 करोड़ रुपये के पॉलिश हीरे निर्यात होते हैं, जो कि यहाँ से कुल एक्सपोर्ट का 37% है। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से हांगकांग ने 1 महीने के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है। हांगकांग में जिन गुजराती कारोबारियों के ऑफिस हैं वो वापस लौट रहे हैं। नवाडिया ने कहा कि यदि ये हालात नहीं सुधरते हैं तो इससे सूरत का हीरा उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा। सूरत का हीरा उद्योग देश में आयात किए गए 99% कच्चे हीरे की पॉलिश करता है। नवाडिया ने कहा कि फरवरी और मार्च में सूरत के हीरा उद्योग को 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। एक और हीरा उद्योग एक्सपर्ट और हीरा कारोबारी प्रवीण ननावती ने कहा कि इस बात की संभावना है कि हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी रद्द हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो सूरत का आभूषण कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि सूरत में बने पॉलिश हीरे और आभूषण हांगकांग के जरिए दुनिया भर में भेजे जाते हैं, लेकिन अब वहाँ छुट्टी की वजह से हमारा कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है। व्यापारी भारत लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये स्थिति नहीं सुधरती है तो सूरत के हीरा उद्योग को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लोकमत न्यूज, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन वो जरूर दबाएं।